हरी ओम दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं कृपाल लोधी। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं विज्ञान जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, या हम इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को एसआई मात्रक भी कहते हैं स्टूडेंट्स। एसआई मात्रक या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का मतलब ये होता है कि आप संसार के किसी भी देश में चले जाओ, जो राशियां एक देश में एसआई पद्धति में मापी जाएंगी तो संसार के किसी भी देश में उनका जो मात्रक होगा वो वही होगा। मतलब जैसे हम कहें कि द्रव्यमान को यदि हम भारत में किलोग्राम में मापते हैं या मापेंगे तो संसार के किसी भी देश में आप चले जाओ, द्रव्यमान को किलोग्राम में ही मापा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात निर्यात करने वाली समस्त वस्तुओं में। ये मतलब होता है एसआई या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का। संसार में एक ही मात्रक निर्धारित किए गए हैं जिन्हें हम एसआई या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के मात्रक कहते हैं। दोस्तों, इनकी संख्या कितनी होती है? सात होती है। ध्यान से सुनना, इसमें सात मूल मात्रक होते हैं और दो होते हैं क्या? पूरक मात्रक। ठीक है, ये हमने जो लिखे हैं कोण और घन कोण, ये दो कहलाते हैं पूरक मात्रक और सात होते हैं मूल मात्रक। ठीक है स्टूडेंट्स, एक अपील है आपसे, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी करते चले। हम इसी प्रकार के इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए मैथ्स रीजनिंग जी के साइंस हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लाते रहते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। तो हम बता चुके हैं कि एसआई पद्धति में या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में सात मूल मात्रक होते हैं और दो पूरक मात्रक होते हैं। कभी कभी एग्जामिनर आपसे केवल इतना ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? सात है, और पूरक मात्रकों की संख्या दो है। स्टूडेंट्स, ये जो मूल मात्रक होते हैं ये ऐसे मात्रक होते हैं कि जिनकी सहायता से सभी भौतिक राशियों के मात्रक निकाले जा सकते हैं, सात और दो मतलब इन नौ मात्रकों से। और सात और दो इन नौ मात्रकों को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के सभी जो मात्रक कहलाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब यहां से प्रश्न कैसा आता है? एक तो यही आ सकता है कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो सात है। पूरक मात्रकों की संख्या कितनी है, तो दो है। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब ये मूल मात्रकों के नाम और उनके मात्रक क्या है उसकी हमने एक ट्रिक बनाई है, देखते हैं वो ट्रिक क्या है। यदि आप वो ट्रिक याद कर लेते हैं तो यहां से आने वाले आप सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पा रहे होंगे। ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स? ट्रिक है एबी को पढ़ें आप। अब ज्योति के मामा डी के, कोई दीपक कुमार है, दीपक कपूर है, कोई भी। अब ज्योति के मामा डी के ने मील सेट किया ताकि लोगों को रोजगार मिल सके या ताकि उनकी कमाई हो सके, कुछ भी। ठीक है, अब ज्योति के मामा डी के ने मील सेट किया, कोई भी दाल मील सेट किया है, किसी स्थान पर दाल मील लगाया है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है, ये आपको ट्रिक याद कर लेना है। अब हम देखते हैं इस ट्रिक का अर्थ। तो यहां पर क्या लिखा है? सबसे पहले ए बी माने अब, तो यहां स्टूडेंट्स ए से बनेगा एम्पियर और बी से बनेगा यहां विद्युत धारा। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स यहां पर क्या लिखा है ज्योति के, तो ज्योति के से बनेगा स्टूडेंट्स ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है, के से बनेगा कैंडेला। मतलब ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है मामा, तो मामा से क्या बनेगा स्टूडेंट्स? मा से बनेगा मात्रा, और मात्रा का यदि हम फुल फॉर्म कहें तो ये होता है पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक होता है मोल। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? मोल। वैसे अपन पदार्थ की मात्रा का मोल भाव करते हैं, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। फिर स्टूडेंट्स यहां पर क्या लिखा हुआ है डी के, डी से बनेगा यहां पर द्रव्यमान और के से बनेगा किलोग्राम। इसका मात्रक क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। फिर यहां क्या लिखा स्टूडेंट्स? मील लिखा है, तो मील से क्या बनेगा? ला से बनेगा लंबाई और मी से बनेगा मीटर। इसका मतलब क्या होगा? मील का मतलब कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। फिर स्टूडेंट्स यहां पर लिखा है सेट, तो सेट का अर्थ क्या बनेगा? से बनेगा सेकंड और टा से बनेगा टाइम, टाइम मतलब समय। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम या समय का मात्रक एसआई मात्रक या अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? सेकंड। इसके बाद स्टूडेंट्स दो मात्रक और बचते हैं जिन्हें हम पूरक मात्रक कहते हैं। इनकी सहायता से, इन नौ की सहायता से, सात मूल और दो पूरक मात्रकों की सहायता से हम सभी मात्रकों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जो पूरक मात्रक है इनमें एक बचता है कोण, कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन, और दूसरा बचता है घन कोण, घन कोण का एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
कोण का एसआई मात्रक रेडियन आप याद कर लें, और घन कोण का क्योंकि कोण में कम शब्द हैं इसलिए रेडियन, ये इसमें भी कम शब्द हैं, घन कोण में ज्यादा शब्द हैं तो स्टेरेडियन में भी ज्यादा शब्द है, इसे आप इनमें डिफरेंस याद रख सकते हैं। तो कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दें, और यदि आप हमारी हेल्प करना चाहें तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।